मशरिक वुस्ता जंग के दहाने पर ईरानी जनरल के कत्ल के बाद हालात संगीन। इराक में मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी तनसीबात पर रॉकेट हमले, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद अमरीका को जवाबी कार्रवाइयों का सामना है। इराक में तीन मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी तनसीबात पर रॉकेट हमले किए गए। पहला वाकया बगदाद के इलाके ग्रीन जोन में पेश आया, जहां अमरीकी सिफारतखाने के करीब रॉकेट गिरे, जिसके बाईस अमरीकी सिफारतखाने की जानिब जाने वाली सड़क बंद हो गयी। एक और रॉकेट ग्रीन जोन के करीब जादरिया के मकाम पर गिरा, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बगदाद के शिमाल में वाके बल्द एयरबेस पर भी रॉकेट हमला किया गया, जहाँ अमरीकी फोर्सेज मुकीम है। कासिम सुलेमानी के साथ कत्ल होने वाले मलेशिया कमांडर अबू मेहदी अल महदस के ग्रुप ने इराकी अफवाज को अमरीकी अड्डों से दूर रहने की हिदायत कर दी। कुताइब हिजबुल्ला नामी मलेशिया ने इराकी अफवाज को हिदायत की है कि अमरीकी तनसीबात से 1 किलोमीटर के फासले पर रहें।